हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय एंड स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। यू आर गोना हेट मी फॉर दिस, बट बीजेपी का लगातार जीतना एक्चुअली भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। रिसेंटली भारत में 5 स्टेट्स के लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें से 3 स्टेट्स में बीजेपी को बड़ी आसानी से जीत मिल गई, और जहां बीजेपी नहीं जीत पाई है वहां वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हुई है। प्रेजेंट डे में बीजेपी भारत के 12 स्टेट्स को अकेले और 4 को गठबंधन के थ्रू रूल कर रही है। करंटली लोकसभा में बीजेपी ने 301 और राज्यसभा में एनडीए अलायंस ने 245 में से 108 सीट्स रिजर्व की हैं, जिसमें से अकेले बीजेपी ने 93 सीट्स को रिजर्व किया हुआ है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सीट्स रिजर्व बाय होल इंडिया अलायंस। 2014 से अब तक बीजेपी ने लगातार भारत में अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखा है, एंड डे बाय डे बीजेपी की पॉपुलैरिटी आम जनता और यूथ में लगातार बढ़ रही है। वो देश जहां कई दशकों तक लोगों ने खुद अपने कल्चर एंड संस्कृति को सपोर्ट नहीं किया, वहीं आज बीजेपी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो ओपनली हिंदुत्व और उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है। इवन बीजेपी ने कई बार इलेक्शन के पहले लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है, फिर भी बीजेपी की पॉपुलैरिटी में कोई खास फर्क नहीं आया है, और लोग आज भी चाहते हैं कि बीजेपी ही जीते। सो वाई इज बीजेपी अनहेल्दी फॉर इंडिया? टेक्निकली अगर हम भारत के पिछले कुछ सालों के इलेक्शन डेटा को एनालाइज करें तो बीजेपी की विनिंग्स, उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी पॉपुलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, इट ऑल साउंड्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। और एक्चुअली यही रीजन है कि बीजेपी कुड बी अनहेल्दी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक राज है, वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस वर्ल्ड, और इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का काम रूलिंग पार्टी नहीं बल्कि अपोजिशन करती है, रूलिंग पार्टी के एक्शंस को मॉनिटर करके। एक स्ट्रांग रूलिंग पार्टी एंड स्ट्रांग अपोजिशन का परफेक्ट बैलेंस ही किसी भी देश की डेमोक्रेसी को मेंटेन रखता है, बट अनफॉर्चुनेटली भारत के पास कोई भी स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप भारत के राजनीतिक इतिहास में देखें कि बीजेपी का जन्म कब और कैसे हुआ, कांग्रेस ने कई डिकेड्स तक भारत के पॉलिटिक्स पर रूल किया, एंड देन वो समय आया जब कांग्रेस ने खुद को एक अब्सोल्यूट पावर समझ लिया, जिससे गवर्नेंस करप्शन का एक अनवांटेड चेन रिएक्शन शुरू हुआ, जिससे अपोज करने के लिए बीजेपी एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह सामने आई। उस समय तक बीजेपी एंड अदर पार्टीज के स्ट्रांग एंड कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की वजह से ही भारत की डेमोक्रेसी मेंटेन हुई थी, और आज भारत में जब बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है तब पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी बची है जो यूनाइटेड, स्ट्रांग, मीनिंगफुल, कमिटेड, क्रेडिबल एंड रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन दे सके। प्रॉब्लम यह नहीं है कि बीजेपी इज रूलिंग पार्टी, प्रॉब्लम यह है कि ओनली बीजेपी इज एलिजिबल टू बिकम अ रूलिंग पार्टी। भारत के पॉलिटिकल इतिहास को देखें तो इट्स वेरी क्लियर दैट पावर टेंड्स टू करप्ट, एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली, एंड सिर्फ एक स्ट्रांग अपोजिशन ही है जो पार्टी इन पावर को आम जनता के इंटरेस्ट और विल के अगेंस्ट जाने से रोक सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली करेंटली भारत में ऐसी कोई अपोजिशन नहीं है जो इतनी कंस्ट्रक्टिव, यूनाइटेड और मीनिंगफुल हो। इसका बेस्ट एग्जांपल खुद इंडियन हिस्ट्री में ही है, जहां कांग्रेस भारत की रूलिंग पार्टी थी एंड 1975 से 1977 के बीच भारत को स्टेट ऑफ इमरजेंसी में रखा गया था, और ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कांग्रेस के इस स्टेप को अपोज करने के लिए उस समय भारत की कोई भी अपोजिशन पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। भारत के करंट इलेक्टोरल सिनेरियो में अपोजिशन, स्पेसिफिकली कांग्रेस, लगातार कई इलेक्शंस हार चुकी है एंड शायद अपने सबसे बुरे फेज में है, बट इलेक्शंस हारना करंट अपोजिशन की सबसे छोटी प्रॉब्लम है। करंटली अपोजिशन के मेजर प्लेयर्स फैक्शनलिज्म, कास्टिज्म, सेल्फ सेंट्रिज्म और इंटरनल पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं, जो उन्हें आम जनता के सामने क्रिटिकल जोक की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर बीइंग क्लियर, मैं किसी भी पार्टी को उनके काम या आइडियोलॉजी के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट एज अ यूथ ऑफ इंडिया हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा है जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी अकेले रेस में दौड़ रही है और जीत रही है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसकी जीत की कीमत कितनी है। और यही रीज़न है कि भारत नीड्स एन इफेक्टिव एंड स्ट्रांग अपोजिशन जो ये इंश्योर कर सके कि वो पार्टी जो सेंटर में है वो मिनिमम गवर्नमेंट के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस डिलीवर कर सके, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल हो, एंड नेशन के इंटरेस्ट को निगलेक्ट ना करे। भारत की करंट अपोजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी को क्रिटिसाइज एंड अपोज करती है, बिना समझे कि वो देश के हित में है या नहीं, एंड इसका इनडायरेक्ट फायदा भी हमेशा रूलिंग पार्टी को ही होता है। एक अच्छा और सही अपोजिशन क्या होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बीजेपी ने ही वाजपेयी जी की लीडरशिप में दिया था।
देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। A divided and weak opposition is more dangerous than muscular ruling party to Indian democracy. Opposition एक healthy democracy के लिए important है। बिना सही opposition के democracy survive नहीं कर सकती। So फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो comment down and share it।